मैं मोहम्मद बिलाल तरवाई स्वागत करता हूं आपका अपने नए कार्यक्रम बोलता अखबार में। वो खबरें जिन्हें पढ़ेंगे कल आप, दिखाएंगे हम आज अपने खास कार्यक्रम बोलता अखबार में। नई दिल्ली। दिल्ली में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण। दिल्ली में AQI 450 के पार पहुंचा। हवा बेहद गंभीर स्थिति में पहुंची। दलौदी रोड इलाके PM 2.5 456, PM 10 287 दर्ज किया गया। लखनऊ। लखनऊ को रोशन करता एक और सितारा असरार अहमद। जी हां, आपने सही सुना, 15 नवंबर को रिलीज हो रही मूवी बागपत का दूल्हा, जिसमें अभिनय किया रजा मुराद, जय सिंह, असरार अहमद, रुचि सिंह आदि, कृष्ण कुमार भूत और रक्षा बरैया द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन किया है करण कश्यप। हमारे संवाददाता से बात करते हुए अभिनेता असरार अहमद ने मूवी देखने की अपील की और कहा कि यह एक बेहद मनोरंजक कॉमेडी फिल्म है और ये दर्शकों को बहुत गुदगुदाएगी। आप सभी लोग 15 नवंबर 2019 को रिलीज होने वाली निर्देशक करण कश्यप की फिल्म बागपत का दूल्हा जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, डू वॉच बागपत का दूल्हा। लखनऊ। मौसम में गिरावट के साथ राजधानी लखनऊ की हवा फिर हुई खराब। लखनऊ का AQI 253 माइक्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया। राजधानी 32वें स्थान में पहुंचा। NCR 391 माइक्रोग्राम पहुंची। देश 100 शहरों की CPCB की मॉनिटरिंग में गाजियाबाद शहर दूसरे स्थान पर पहुंचा। लखनऊ। रोडवेज बसों में पेटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किराया भरने की सुविधा जल्द। अब एंड्रॉइड टिकट मशीन से बनेगा बस का टिकट। लखनऊ के 3 डिपो से शुरू हुआ ट्रायल, अभी तक नगद से ही किराया भरने की थी सुविधा। लखनऊ। भ्रष्टाचार के आरोप में 80 विद्युत इंजीनियरों पर कार्रवाई की तैयारी। पावर कॉर्पोरेशन में विजिलेंस की टीम ने शुरू की जांच। 2 चीफ इंजीनियर, 7 अधीक्षण अभियंता, 15 अधिशासी अभियंता, 23 असिस्टेंट इंजीनियर और 35 कर्मचारियों के खिलाफ जाँच शुरू। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी हो रही जाँच। मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर चौकी क्षेत्र के रैपुरिया गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मौके पर सैकड़ों गांवों से हजारों की संख्या में महिलाएं आती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी अदलहाट प्रमोद कुमार यादव भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। मिर्जापुर। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व के अवसर पर बरिया घाट, नार घाट, पक्का घाट तथा विंध्याचल के समस्त घाटों का निरीक्षण किया। बैरिकेटिंग और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया। मिर्जापुर। GRP पुलिस ने रेलवे स्टेशन विंध्याचल पर कार्तिक पूर्णिमा पर आए श्रद्धालुओं को GRP चौकी विंध्याचल द्वारा ट्रेन में बैठाया गया। दर्शनार्थियों की सुरक्षा हेतु संदिग्ध वस्तु व व्यक्ति की चेकिंग की गई। सोनभद्र। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर सोनू नदी के घाट में बहते गंदे पानी में स्नान करने को मजबूर श्रद्धालु। दिल्ली। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का त्याग पत्र स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 17 नवंबर को। उपराष्ट्रपति ने बैठक बुलाई। वेंकैया नायडू ने आवास पर बैठक बुलाई। बैठक में सभी पार्टी के प्रमुख शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा। वाराणसी। देव दीपावली के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी पहुंची। पुलिस लाइन में महापौर मृदुला जायसवाल, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, IG विजय सिंह मीणा और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उनका स्वागत किया। उत्तराखंड। सुबह 7:30 बजे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में आज तड़के भूकंप का तीव्र झटका महसूस किया गया। भारतीय मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 मैग्नीट्यूड थी और भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ था। किसी की जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। कानपुर। स्मॉल आर्ट फैक्ट्री के सामने मछली से भरा ट्रक पलटा। मछली पड़ी रही रोड पर। लोगों ने आंधी के आम की तरह खूब बटोरी मछलियां। रोड हुआ जाम। ब्रेकर की वजह से मछली से भरे ट्रक का संतुलन था बिगड़ा। अरमापुर थाना क्षेत्र की घटना। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व पर DAV कॉलेज पहुंचे। मिर्जापुर। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर रतनगंज स्थित गुरुद्वारे में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा गुरु नानक देव के जीवन आदर्शों पर प्रकाश डाला। लखनऊ। अहिनवार धाम मेले में हजारों की संख्या में उमड़े भक्तगण। सरोवर में स्नान करने के बाद किया अहिनवार धाम के दर्शन। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद। पुलिस की मौजूदगी में मेला जारी।
लखनऊ निगोहा स्थित ग्राम सभा बीर सिंहपुर में लगभग 200 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर को अमरेंद्र सिंह यादव प्रबंधक SBN इंटर कॉलेज ने मंदिर की यह जर्जर स्थिति देखकर इसको पूर्णतः मरम्मत व जीर्णोद्धार सही कराने का संकल्प लिया। गांव वालों के सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा की। इस घोषणा में समस्त ग्रामवासी, प्रधान, कांटेदार व अन्य वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद रहे।